हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक रहने वाली है गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। आज हम लोग इसमें उत्तल और अवतल दोनों पृष्ठ द्वारा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, फिर हम देखेंगे अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। आपके एग्जाम में ये हमेशा हमेशा ये जो प्रश्न पूछा जाता है वो 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हम उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र बता रहे हैं। अब यहां पर हमने सबसे पहला काम किया कि S1 और S2 एक उत्तल पृष्ठ बनाया। S1 और S2 एक उत्तल पृष्ठ बनाया जो जो माध्यम 1 और माध्यम 2 को विभक्त करती है। S1 और S2 एक उत्तल पृष्ठ बनाया जो माध्यम 1 और माध्यम 2 को व्यक्त करती है। माध्यम 1 आपका विरल है और माध्यम 2 आपका क्या है, सघन है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक N1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या है प्यारे बच्चों, N2 है। फिर उसके बाद अब जहां C जो है वो उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र है और जो P है वो उत्तल पृष्ठ का क्या है, ध्रुव है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? जहां जो सी है वो उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, पी जो है उत्तल पृष्ठ का क्या है, ध्रुव है। अब ध्रुव से यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु ओ है। ध्रुव से यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु ओ है जो कि मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, जो कि मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती हुई एक प्रकाश किरणें निकलती है और उत्तल पृष्ठ के बिंदु ए पर क्या होती है, आपतित होती है। उत्तल पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित होती है। अब आपको पता है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरणें सीधे न जाकर ये यंसी आपका अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर झुकते हुए इधर की तरफ निर्गत किरण एम के रूप में बाहर निकल जाती है। बात आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? निर्गत किरण एम के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। एक प्रकाश किरण ओ से होते हुए, यहां से एक प्रकाश किरण निकली जो कि ध्रुव से होते हुए गई। आपको पता है कि जो कोई भी प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो सीधे ही वापस लौट आती हैं, या हम कह दें कि उनका उनके मार्ग में विचलन नहीं होता, वो सीधे ही निकल जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, जब यहां से चलने वाली जो ये प्रकाश किरणें हैं ये जब सीधे जाती हैं और पुनः बिना विचलित हुए आगे की तरफ निकल जाती हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाली किरण जो यहां पर निकली है और ये वाली जो किरण है प्यारे बच्चों यहां पर जा रही, ये दोनों किरणें आगे जाके कहीं पर मिलने वाले नहीं है। अब इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया गया प्यारे बच्चों, इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ क्या किया गया, बढ़ाया गया। इस रेखा को, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया गया और इस रेखा को, इस किरण को, एम को पीछे की तरफ बढ़ाया गया। ये दोनों इस वस्तु के पीछे बिंदु आई पर प्रतिच्छेद किए। इस प्रकार जो वस्तु ओ था उसका आभासी प्रतिबिंब आई प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। यही पूरा डायग्राम है। अल्फा जो है वस्तु के साथ बना एंगल है और जो है बीटा जो है प्रतिबिंब के साथ बना कोण है और गामा जो है अभिलंब के साथ बना कोण है। और साथ में यहां पर आई जो होता है, यह आई क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और ये अपवर्तित किरण जो पीछे की तरफ आपने बढ़ाया था, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक, एक बार पुनः हम लोग इनको समझते हैं। फिर प्यारे बच्चों, जो हम आपको समझाए हैं वो सारी चीज आपको यहां पर लिखा नहीं जा सकता, परंतु आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं या तो आप समझ गए होंगे तो स्वयं से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः समझ लेते हैं। शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे। S1 S2 एक उत्तल पृष्ठ है
जो कि विरल और सघन माध्यम को पृथक कर रहा है, विरल और सघन माध्यम को अलग कर रहा है। माध्यम एक, विरल को माध्यम एक और जिसका अपवर्तनांक n1 है, और सघन माध्यम को जो है दो माध्यम दो कह रहे हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है बच्चों, n2 है। उसके बाद जहां जो C है, C उत्तल पृष्ठ का केंद्र है और P जो है उत्तल पृष्ठ का ध्रुव है। ठीक, अब ध्रुव से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O है, O से चलने वाली प्रकाश किरणें, O से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, टकराती है, टकराने के पश्चात ये प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकते हुए बाहर की तरफ क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये बाहर की तरफ निकल गई। अब एक प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गई, ये प्रकाश किरणें सीधे गई और सीधे निकल गई, ये अर्थात ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें, ये वाली और ये, आगे कहीं नहीं मिलने वाली थी, तो इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया गया। तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार बिंदु वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब आई प्राप्त हो जाता है। अल्फा बीटा गामा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया क्या है, कोण है, किसके साथ, बीटा प्रतिबिंब के साथ, अल्फा वस्तु के साथ, गामा जो है अभिलंब के साथ। और यहां पर यहां देखिए, अब हम जानते थे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आप और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इतनी जो आपको लिखना पड़ता है ये सारी चीज आपको यहां पर उपलब्ध है, आप यहां से लिख सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे डेरिवेशन की इसकी। तो गाइस, हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे। आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी, चित्र को ध्यान से देखिएगा और डेरिवेशन आराम से आप कर लोगे प्यारे बच्चों, हार्ड डेरिवेशन नहीं, त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक, त्रिभुज ओ ए सी में जो आई है वो अल्फा प्लस गामा के योग के क्या होगा, बराबर होगा। या तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी में आई बहिष्कोण है, आई कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, बहिष्कोण है। आई क्या है, बहिष्कोण है। अब आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस गामा। आई जो होगा वो अल्फा प्लस गामा की क्या होगा, बराबर होगा, समीकरण नंबर एक। अब आपको नहीं ध्यान दे पा रहे होंगे, यहां देखिए ओ ए सी, ओ सी ए त्रिभुज में आई जो है त्रिभुज की बाह्य भुजा पे बना कोण है, इसलिए ये बहिष्कोण होगा और बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आई जो है अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर हम त्रिभुज ले आई ए सी, अगर हम त्रिभुज क्या ले आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में जो आर है, जो आर है वो आपका क्या है, बहिष्कोण है। आर जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, बहिष्कोण है। ध्यान से देखिएगा, आर जो है वो क्या है, बहिष्कोण है। अर्थात अब इस बार ये जो आर है वो बीटा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। समीकरण नंबर क्या हो गया दो। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, आई जो है अल्फा प्लस गामा के बराबर है, आर बीटा प्लस गामा के बराबर है। क्यों, क्योंकि आई और आर दोनों बहिष्कोण है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब प्यारे बच्चों, हम आई और आर का मान प्राप्त कर लिए हैं, अब हम स्नेल के नियम में रख देंगे बस। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से एन इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक, अब एन के स्थान पे हम एन टू बटे क्या रख देंगे, एन वन रख देंगे, एन टू बटे क्या रख देंगे, एन वन रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों। परंतु एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर हम यही इस कारण दे दें, यहां पर एक स्थिति मान लें तो और बढ़िया रहेगा प्यारे बच्चों। ये मानते हैं चूंकि अगर यदि 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 उत्तल पृष्ठ का जो व्यास है, यदि उत्तल पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि उत्तल पृष्ठ
अत्यंत सूक्ष्म हो। अत्यंत सूक्ष्म हो तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, तो हो तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए डेरिवेशन पे चलते हैं। यहां पर क्या प्राप्त किए थे, एन टू बटे एन वन इक्वल टू साइन आई, तो वहां साइन आई के स्थान पे केवल आई हो जाएगा और आर के साइन आर के स्थान पर आर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एन वन गुड़े आई हो जाएगा बराबर एन टू गुड़े आर। ठीक, अब आई का मान हम रख देते हैं। आई का मान कितना है प्यारे बच्चों, यहां देखिए आई का मान है एन वन, यहाँ है अल्फा प्लस क्या है गामा, है ना, अल्फा प्लस गामा। एन टू के मान पे कुछ नहीं है बल्कि आर का मान है। आर का मान कितना है बीटा प्लस गामा, ना बीटा प्लस क्या हो जाएगा गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा एन वन अल्फा और यहाँ आ जाएगा एन वन गामा। ठीक, यहाँ आ जाएगा एन वन गामा प्लस एन वन गामा बराबर, इधर आ जाएगा एन टू बीटा और इधर आ जाएगा एन टू गामा। ठीक, अब हम क्या करते हैं देखिए जरा सा, गामा वाले पक्ष को एक तरफ, बिन गामा वाले के एक तरफ, अगर हम बीटा को इधर की तरफ बुला लें, यदि बीटा को हम क्या कर लें इधर की तरफ बुला लें, तो क्या आ जाएगा एन वन अल्फा माइनस एन टू बीटा और उधर क्या है एन टू गामा माइनस, ये उधर चले जाएंगे तो एन वन क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में गामा क्या है प्यारे बच्चों, यहां से कॉमन है, गामा कॉमन होने के साथ साथ एन टू माइनस क्या हो जाएगा तब एन वन हो जाएगा। जैसे ही गामा कॉमन लेंगे तो एन टू माइनस एन वन बचेगा और यहाँ एन वन अल्फा माइनस एन टू बीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों, 3 बना लेते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समीकरण 3 में अब अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के समीकरण 3 में केवल रखना है प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान निकालने के लिए हमने पहले ही मान लिया है कि यदि उत्तल पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म होगा तो साइन आई बराबर साइन आई हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम यहां पर निकालेंगे, देखिए ओ ए जे, त्रिभुज ओ ए जे में, त्रिभुज ओ ए जे में जो अल्फा है वो अत्यंत सूक्ष्म होगा, अर्थात जो टैन अल्फा है वो केवल अल्फा के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने पृष्ठ को बहुत सूक्ष्म मान लिया है, तो जो टैन अल्फा त्रिभुज ओ ए जे में हम जो जो टैन अल्फा का फार्मूला लगाने वाले वो अल्फा के बराबर ही होगा। तो टैन अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है प्यारे बच्चों लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, लंब आपका है यहां पर ए जे, लंब कौन है प्यारे बच्चों ए जे है, और आधार, आधार कितना है ओ जे, आधार कितना है प्यारे बच्चों ओ जे। ठीक, लंब आपका ए जे है, आधार कितना है ओ जे। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक चीज ये समझना है, चूंकि लिख सकते हैं कि चूंकि उत्तल पृष्ठ अत्यंत क्या है सूक्ष्म है, चूंकि उत्तल पृष्ठ क्या है, बार बार अब हम लोग इसे नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, उत्तल पृष्ठ क्या है अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत क्या है सूक्ष्म है। अब जब ये अत्यंत सूक्ष्म है प्यारे बच्चों, इसलिए जो ये जे है वो पी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अर्थात ओ जे जहां होगा वहां ओपी के बराबर होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे ही ये उत्तल पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म होगा ये लाइन लगभग यहां पर आ जाएगी, पी में मिल जाएगी, इसलिए ओ जे जो है ओपी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ए जे अपान क्या हो जाएगा ओपी। अब ए जे की वैल्यू आप देखिए, ए से लेके जे की वैल्यू कितनी है एच है और ओ पी, ओ से लेके पी की दूरी कितनी है यू है, परंतु सारी दूरियां आप बाएं तरफ नाप रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्रुव के बाएं तरफ की दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है, तो एच बटे माइनस यू हो गए, तो अल्फा का मान मिल गया। समीकरण नंबर आप क्या बना दो, 4 बना दो। अब इसी प्रकार त्रिभुज आई ए जे में, त्रिभुज
आई ए जे में, त्रिभुज आई ए जे में जो एंगल है वो कौन एंगल है प्यारे बच्चों, टेन बीटा। टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब कौन है, लंब यहां कौन है प्यारे बच्चों, ए जे है। लंब कौन है, ए जे है। और आधार कौन है, आधार इस बार आई से लेके जे तक है, आई से लेके जे तक। ठीक, फिर से वही प्यारे बच्चों कि चूंकि उत्तल पृष्ठ अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है। चूंकि उत्तल पृष्ठ क्या है, उत्तल पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए जो ये जे है वो पी में मिल जाएगा, अर्थात आई जे बराबर क्या हो जाएगा, आई पी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब जहां आई जे है वहां पी रख देंगे, और जो टेन बीटा है वो केवल बीटा के बराबर होगा, तो ए जे बटे आई पी हो जाएगा। अब आइए, ए जे की वैल्यू आपके पास है या चाहिए होगा, आई पी यहां से लेके यहां तक की दूरी वी है, परंतु माइनस वी होगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम गामा का मान निकाल लेंगे। गामा का मान निकालने के लिए आपके पास क्या है त्रिभुज प्यारे बच्चों, आपके पास है ए जे सी, त्रिभुज ए जे सी। तो त्रिभुज ए जे सी में जो अब जो एंगल होगा वो टेन गामा होगा, और ये गामा गामा टेन गामा गामा के बराबर होगा, क्योंकि उत्तल पृष्ठ अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है। अब टेन गामा में क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कौन है, वही लंब ए जे है, और आधार कौन है प्यारे बच्चों, सी जे। परंतु आपने दर्पण ये जो लेंस है अत्यंत सूक्ष्म माना था, तो ये बिंदु यहां पर आ गए थे, तो जहां सी जे है आया है वहां सीपी हो जाएगी, तो सी जे बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। क्यों होगा, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है, तो जहां जे है वहां पर क्या हो जाएगा, पी। तो गामा इक्वल टू ए जे अपान सीपी। आइए वैल्यू रख देते हैं, ए जेड की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, एच है। कितनी है, एच है, और सी पी, सी से लेके पी की दूरी कितनी, आर। तो ये प्लस आर होगा, समीकरण नंबर क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक, गामा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया है, तो अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं अगले पार्ट में, यहां पर डेरिवेशन। सौरभ सर, तो गाइज अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहां दिखाई पड़ रहा है बच्चों, N1 है, N1। अल्फा का मान, अल्फा का मान यहां पर है h बटे माइनस u, h बटे माइनस u, माइनस देखिए माइनस है। N2 बीटा, बीटा का मान देखिए h बटे माइनस v है, तो N2 और यहाँ एच बटे माइनस वी हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर। फिर N2 माइनस N1 इंटू गामा है, तो गामा की वैल्यू कितनी है, एच बटे आर। तो N2 माइनस N1 और एच बटे कितना हो गया, आर, ये गामा की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, N1 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं, या तो ऐसा कुछ करें कि देखिए अगर हम आप देख पा रहे होंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले तो गुणा कर लेते हैं, तो वही एच को कॉमन ले लेते हैं, यहां से एच को क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं और गुणा करते हैं। N1 का गुणा जैसे ही एच बाहर आएगा तो यहाँ एक हो जाएगा, N1 का गुणा एक से होगा, N1 बटे माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एच बाहर है, N2 बटे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक, और उधर बराबर N2 माइनस N1 इंटू एच बटे क्या आ जाएगा, आर। ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, अब आगे हम प्लस लिखेंगे फिर बाद में माइनस लिखेंगे, तो N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे कितना हो जाएगा, आर। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। देखिए कितना सरल है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, ये रहा उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे इसी प्रकार से अवतल पृष्ठ का।
तो गाइस जिस प्रकार आप लोगों ने उत्तल पृष्ठ का डेरिवेशन किया था उसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस अवतल पृष्ठ का होगा, जो कि आपके स्क्रीन पे इस समय अवतल पृष्ठ का चित्र बनाया गया है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इनको समझना चाहते हैं तो S1 और S2 एक अवतल पृष्ठ है, ठीक, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और जिससे ध्रुव से U मीटर की दूरी पर एक वस्तु O है, O से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल पृष्ठ के बिंदु A से टकराती हैं और बिंदु A से टकराने के पश्चात अभिलंब की ओर झुकते हुए बाहर की तरफ क्या हो जाती है, निकल जाती है प्यारे बच्चों। और उसके बाद एक प्रकाश किरण यहां से होकर जाती है और वो ध्रुव से होते हुए सीधे निकल जाती है। परंतु इन दोनों किरणों को प्यारे बच्चों, इस जो ये आपतित किरण सीधे निकल गई थी, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये बिंदु आई पर क्या करता है, काटता है। बिंदु आई पर क्या करता है, काटता है। इस प्रकार वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई पर प्राप्त हो जाता है। अल्फा बीटा और गामा मुख्यतः कोण हैं प्यारे बच्चों, जो कि मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए हैं। अब एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, S1 और S2 एक अवतल पृष्ठ है प्यारे बच्चों, S1 और S2 एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु वस्तु O है, O से चलने वाली प्रकाश किरण अवतल पृष्ठ के बिंदु A से टकराता है और टकराने के पश्चात अभिलंब की ओर झुकते हुए सीधे की तरफ निकल जाती है। फिर O से एक प्रकाश किरण और आपतित कराई गई जो कि C से होकर गई और बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। परंतु प्यारे बच्चों, जो आगे की किरण आपतित किरण आगे की तरफ निकल गई थी, उन्हें पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो बिंदु I पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस प्रकार वस्तु O का प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो I है, सबसे पहले त्रिभुज सिलेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों, त्रिभुज सिलेक्ट करेंगे ओ ए ओ त्रिभुज सिलेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी दिखाई पड़ रहा है आपको, त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में, ट्रेंगल ओ ए सी में जो गामा है प्यारे बच्चों, ये जो गामा है वो इस बार बहिष्कोण है, जो गामा है वो आपका क्या है, बहिष्कोण है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए सी में गामा बहिष्कोण है, गामा क्या है, बहिष्कोण है। अब बताइए आप जरा सा, जब गामा बहिष्कोण है तो ये गामा जो है आई प्लस अल्फा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फा हो जाएगा। मुझे आई का मान निकालना है तो अल्फा को इधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम एक ट्रेंगल और लेंगे, वो ट्रेंगल है आई ए सी, ट्रेंगल आई ए सी, ट्रेंगल आई ए सी में गामा जो है क्या है, बहिष्कोण है। गामा कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, बहिष्कोण है। और जब गामा बहिष्कोण है तो आप बताइए जरा सा, जब गामा आपका बहिष्कोण है तो ये गामा किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस बीटा के। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस बीटा के। अब यहां से मुझे आर का मान निकालना है तो बीटा का इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस बीटा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आर इक्वल टू मिल जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर दो। अब हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा है, स्नेल के नियम से वहां पर इसको रखेंगे और हल करेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से हम पढ़े हैं एन बराबर साइन आई बटे आर, तो यहां लिख सकते हैं एन टू बटे एन वन इक्वल टू साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर, ठीक। चूंकि उत्तल पृष्ठ अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है, चूंकि उत्तल जो पृष्ठ है वो अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है, इसीलिए उत्तल पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है,
अतः जो साइन आई है, अतः साइन आई बराबर आई होगा और साइन आर बराबर क्या होगा, आर होगा। प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यन टू बटे यन वन बराबर साइन आई के स्थान पे आई और साइन आर के स्थान पे आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यन वन गुड़े क्या हो जाएगा आई और बराबर एन टू गुड़े आर। ठीक, अब चाहो तो प्यारे बच्चों इसे आप समीकरण नंबर क्या बना लो, तीन बना लो। समीकरण नंबर तीन बनाकर अब आप यहां से क्या करेंगे, आई आई का मान, सॉरी अभी आई का मान रख लेते तब बनाते हम लोग। तो चलिए आई का मान यहां पर देखिए, आई का मान गामा माइनस अल्फा है तो एन वन यहां पर गामा माइनस अल्फा कर दिए, गामा माइनस अल्फा बराबर एन टू, और यहां आर, आर के स्थान पे क्या रख दिए गामा माइनस बीटा, गामा माइनस क्या हो गया बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एन वन का गुणा गामा से करेंगे, तो एन वन का गुणा जब प्यारे बच्चों हम लोग गामा से करेंगे, आइए इधर देखते हैं, तब देखिए अब एन वन का गुणा जब हम गामा से करेंगे तो यहां आ जाएगा एन वन गुणे क्या हो जाएगा गामा, यहां करेंगे तो माइनस एन वन गुणे क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, एन वन गुणे क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा बराबर एन टू का गुणा गामा से करेंगे तो एन टू गामा माइनस एन टू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। गामा वाले को एक तरफ कर देते हैं प्यारे बच्चों और विदाउट गामा वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो देखिए ये एन वन गामा उधर जाएगा तो माइनस होगा और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस होगा, पहले हम प्लस लिख रहे हैं तो एन टू बीटा माइनस क्या हो जाएगा एन वन अल्फा एक तरफ हो गया, इधर एन टू गामा है और इधर वो गए प्यारे बच्चों तो एन वन गामा हो जाएगा। समझिए जरा सा, ये वाले इधर की तरफ गए तो माइनस हो गए, ये वाले इधर की तरफ आए तो प्लस हो गए, बस इन दोनों में गामा कॉमन है, गामा कॉमन है तो एन टू माइनस क्या हो जाएगा एन वन हो जाएगा और यहां पर एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा। समीकरण नंबर तीन इसे हम बनाएंगे और अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के यहां पर रख देंगे प्यारे बच्चों। चलिए अब लिखेंगे, चूंकि उत्तल पृष्ठ अत्यंत क्या है सूक्ष्म है, उत्तल पृष्ठ क्या है अत्यंत सूक्ष्म है, चूंकि उत्तल पृष्ठ क्या है अत्यंत सूक्ष्म है, अतः अतः जो आपका टेन अल्फा है, जो आपका टेन अल्फा है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा और जो टेन बीटा है वो बीटा के बराबर और जो टेन गामा है वो किसके बराबर हो जाएगा गामा के बराबर हो जाएगा। बस अब केवल हमको अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, तो अल्फा कौन से त्रिभुज से निकालेंगे प्यारे बच्चों, ओ ए एन, दिख पा रहा है ओ ए एन त्रिभुज ओ ए एन में, अगर यही चीज समझना है तो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है प्यारे। यहां से हम लोगों ने पिछले डिवीजन में देखा कि जब उत्तल पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म था तो ये बिंदु एन जो है वो पी के पास पहुंच जाता था, तो हम लोग इस बार इसको यहां पर पहुंचा देंगे तो एन जो है वो पी के बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम बात करेंगे त्रिभुज ओ ए पी में। समझ पा रहे हैं आप, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा नहीं, यही अच्छा चलो एक बार एन ही लेकर लिखते हैं, बाद में हम लोग हल कर लेंगे। त्रिभुज ओ ए एन में, ओ ए एन में टेन अल्फा जो होता है, टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो प्यारे बच्चों यहां लंब जो है आपका ए एन है, लंब कौन है ए एन है, परंतु जो आधार है वो कितना है सी एन है। आपने माना है कि अवतल पृष्ठ ना यहां आपसे गलती हो रही थी, आपसे नहीं हमसे, यहां अवतल होना चाहिए था प्यारे बच्चों, यहां भी अवतल यहां भी अवतल। चलिए अब ध्यान से देखो आप, अब आपने माना अवतल पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो ये जो बिंदु n है वो p के पास पहुंच जाएगा, n जो है लगभग p के बराबर होगा, तो गाइज अब हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू जहां an है वहां ap हो जाएगा और जहां cn है वहां cp हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, ap या an की वैल्यू प्यारे बच्चों वही है h और cn, cn नहीं इस बार cp है तो c से लेके p की दूरी r होती, परंतु प्यारे बच्चे यहां माइनस आर होगा चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि ध्रुव के सारी दूरियां ध्रुव के बाएं तरफ की है,
तो ये अल्फा का मान आ गया, समीकरण नंबर क्या हो गया 4। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज पकड़ेंगे बीटा के लिए, तो कौन सा पकड़ेंगे, आई ए एन। त्रिभुज आई ए एन में जो कोण है वो कौन है, टेन बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर फार्मूला है लंब बटे आधार। अब यहां लंब कौन है प्यारे बच्चों, लंब वही है ए एन है, और आधार कौन है, आधार है हमारा इस बार, आधार हमारा है आई एन। परंतु हम लोग मान चुके हैं कि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है, तो जो एन है वो लगभग पी के इक्वल है, जहां एन, ये जो एन है वो पी में मिल गया है, तो जहां जहां एन है वहां पी बदल देंगे, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी बटे आईपी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब वैल्यू रखते हैं, एपी की वैल्यू एच है परंतु आईपी की वैल्यू वी है, वी भी वो भी क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से, तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब केवल हमको क्या निकालना है, गामा का मान। तो गामा का मान आप यहां त्रिभुज से निकालेंगे सी ए एन, त्रिभुज सी ए एन, त्रिभुज सी ए एन में टेन गामा क्या, टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यहां पर होगा। लंब कौन है प्यारे बच्चों, लंब वही है ए एन है, आधार इस बार आपका क्या है, सी एन है। यहां पर देखिए यहां कितना है, सी एन है। अब जो सी एन है वो अत्यंत पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है, तो एन लगभग पी के इक्वल है, तो जहां एन है वहां पी हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एपी बटे सीपी। एपी की वैल्यू कितनी है, वही एच है, और परंतु सीपी की वैल्यू इस बार कौन है भैया, सीपी। अब एक यहां मिसप्रिंट हुआ है, यहां आर न होकर क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था, गलती हो गई। ठीक, अब सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, देखिए सी से लेके पी तक, सी से लेके पी तक की दूरी आर है, परंतु यहां माइनस आर होगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 4, 5 और 6 से अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रख देंगे, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो तो लिखते हैं समीकरण 4, 5 व 6 से अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चों, यही है समीकरण 3 कौन सा, यहां पर देखिए एन टू बीटा, तो एन टू, अब बीटा के स्थान पे यहां पर एच अपान माइनस वी आया है, एच अपान माइनस कितना है, वी है। ठीक, फिर माइनस एन वन अल्फा के स्थान पे, अल्फा यहां है ना, अल्फा के स्थान पे एच बटे कितना है, माइनस यू है, बराबर एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन, गामा के स्थान पे है एच बटे माइनस आर। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर यहां माइनस एच, यहां से अगर हम कॉमन ले लें प्यारे बच्चों, यहां से एच क्या कर ले, कॉमन ले लें, तो एच जैसे ही आप यहां पर कॉमन लेंगे तो आपके सामने क्या बच जाएगा, यहां पर बचेगा एन टू बटे माइनस वी, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां एन वन क्या, एन वन बटे यू, ठीक, एच कॉमन हो चुका है, बराबर एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन एच बटे माइनस आर, एच एच से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको यहां से माइनस हटाना है तो ये माइनस आगे कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस एन वन बटे यू, बराबर उधर आ जाएगा एन टू माइनस एन वन बटे कितना आर, और ये वाला जो माइनस है वो माइनस हम यहां लगा लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लास्ट वाला फॉर्मूला आपका मिल जाएगा एन टू बटे वी, एन वन बटे यू, बराबर एन टू माइनस एन वन बटे क्या आर। ये रहा प्यारे बच्चों अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र का
व्यंजक। यदि आप इन दोनों टॉपिक को प्यारे बच्चों तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं, इन दोनों में से एक जरूर पूछेगा प्यारे बच्चों। आई होप कि आज की जो क्लासेस हैं, आज की जो वीडियो है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।